चलो पढ़ो प्रश्न वाली 1D का 4 का 1 नंबर क्या लिखा है। 2√2 + 5√3 और √2 - √3 को जोड़े। चलो जोड़ते हैं हम लोग। सबसे पहले जो लिखा हुआ है इसको लिखते हैं, 2√2 + 5√3। क्या करना है हम लोगों को, जोड़ना है 2√2 - √3। अब यहाँ पे देखो 2√2 यहाँ पे है, इसका पीछे वाला संख्या देखना है। √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है, तो कितना हो गया 3। तो यहाँ लिखेगा 3√2। देखो यहाँ का √3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ 5 गो √3 है, यहाँ 3 गो √3 है, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2। अब यहाँ प्लस में होगा कि माइनस में, माइनस में नहीं, देखो बड़ा कौन है, 5√3 है और छोटा है √3, तो 5 में से 3 गया तो बचा कौन सी 2, और प्लस होगा कि माइनस, कहे कि बड़ा चिन्ह किसका है 5 का चिन्ह क्या, जब जोड़ का तो यहाँ भी क्या देंगे जोड़, तो यहाँ हो जाएगा 2√3। तो इसका आंसर हुआ 3√2 और जो 2√3। आया समझ में नहीं आया, फिर से समझाते हैं। जैसे मान के लो √3 को मानो, √2 को मानो आम, क्या मानना है, यहाँ 2 आम है, यहाँ सिर्फ आम है, यहाँ 2 आम है और 1 आम है, तो दोनों 2 आम और 1 आम कितना हुआ, यहाँ 3 आम लिखे हैं। नहीं आता तो एक जगह कर लेते हैं, पहले देखो कैसे समझाते हैं। 2√2 + √2 इसको और इसको एक जगह करते हैं, 5√3 - √3। अब देखो यहाँ भी √3 है, यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ क्या गो है 2 गो √2 है, यहाँ क्या गो है 2 1 कितना हुआ, यहाँ कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं, 2 और 1 कितना हुआ 3। इसके पीछे √2 लगाया तो यहाँ भी क्या लगा देंगे रूट। अब यहाँ पे देखो यहाँ भी √2 √3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ 5 है, यहाँ कितना है 5 में से 3 गया कितना बचा, और प्लस में माइनस में, प्लस में बचेगा +2, यहाँ पीछे क्या है √2 √3, यहाँ भी √3, इसके पीछे भी क्या लगा देंगे √3। आया समझ में। अब अगला बनाते हैं 2 नंबर का, 2 नंबर का भी क्या कर देंगे बना लेंगे, 7√5 - √5 यहाँ देखो घटाते हैं कैसे, 7√5 घटाना है, इसको भी क्वेश्चन में बंद करो, इसको भी 4√5, 7√5 लिखेंगे पहले, सबसे पहले यहाँ क्या है घटा, यहाँ जोड़ है, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, माइनस 4 हुआ, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस क्या हो गया +√5। अब संख्या वाला को अलग कर दो, बिना रूट वाला को अलग और रूट वाला को अलग, 7 एक जात वाले के एक तरफ, हाँ एक जात वाले को अलग कर लो, 7 और 4 को एक जगह कर दो, √5 √5 को एक जगह कर दो, ठीक। अब 7 में से 4 का कितना बचा 3, √5 √5 क्या √5 है 2 गो, हाँ √5 √5 क्या गो है 2 गो, तो यहाँ हो जाएगा क्या 2√5, इसका आंसर यही हुआ। हो गया स्टार्ट क्या, वहाँ सर जी नहीं, चलो पर अब √8 - √1/2 को घटाइए लिखा हुआ है, तो चलो घटाते हैं हम लोग, √8 - √6 / √1/2। अच्छा एक बार बताओ √8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 को खंड करके निकालो वर्गमूल इसका, 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और 2 रूट में रहेगा, मतलब 8 का वर्गमूल कितना होता है 2√2। तो इसको √8 को कैसे लिख सकते हैं 2√2 घटा, इसको बताओ 1 का अलग और 2 का भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1,
रूट टू का तो वर्गमूल होता नहीं है, होता है क्या? नहीं, नहीं होता। जब नीचे वाला को नीचे वाला संख्या रूट में रहता है तो उसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है? रूट टू को ऊपर से भी गुना करते हैं और रूट टू से नीचे से भी गुना करते हैं, ठीक। आप देखो रूट टू को एक एक से गुना करेंगे कितना होगा रूट टू, और रूट टू कितना होगा रूट चार, और रूट चार में आता है चार का वर्गमूल कितना होता है? तो दो रूट टू बटा कितना होगा इसका आंसर? तो इसका मतलब एक बटा दो का मान कितना होगा? रूट टू बटा दो। एक जैसे रूट एक बटा दो है ना, इसका मान कितना निकालें? रूट टू बटा दो या टू। तो छः या इंटू कुछ नहीं तो यहाँ इंटू के रूप में लिख सकते हैं, रूट टू बटा रूट अति खलिया दो। क्या हुआ? रूट दो बटा दो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कोना कोनी करता है ना, दो तिया छः हुआ, दो रूट दो घटा यहाँ तीन रूट दो लिख सकते हैं इसको। अब बताओ यहाँ भी रूट दो है, यहाँ भी रूट दो, तो तीन में से दो खत्म, बचा कौन सी? एगो एक रूट दो बचा है। यहाँ बड़ा कौन है? तीन है ना, इसका आगे चिन्ह क्या है? तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, इसका आंसर क्या होगा? माइनस रूट दो। अब आओ चौथा नंबर सवाल में, चौथा नंबर में लिखा हुआ है छो रूट पाँच को दो रूट पाँच से गुना करें, ठीक ना? यहाँ देखो रे गुना कैसे करते हैं हम लोग, छो रूट पाँच गुना दो रूट पाँच, रूट टू रूट पाँच को रूट पाँच को अलग गुना करो और संख्या को अलग करो, जैसे छः गुना हाँ एक जात वाले को एक में गुना करो और दूसरे जात वाले को दूसरे जात में गुना करो, जैसे छः गुना दो लिख दिए, फिर रूट पाँच गुना रूट पाँच। अब देखो छः दूनी कितना हुआ? और रूट पाँच कितना होता है? रूट पच्चीस, और रूट पच्चीस का वर्गमूल कितना होता है? पाँच। मतलब इन दोनों का मान कितना हुआ? बारह पंचा, इसका आंसर कितना हुआ? अब आओ कितना नंबर में, पाँच नंबर के बारे में मेरे नहीं लग रहा। आठ रूट पंद्रह को दो रूट थ्री से भाग दे। देखो यहाँ पे आठ रूट पंद्रह को कितना से भाग देना है? दो रूट थ्री से। तो आठ बटा रूट पंद्रह बटा क्या लिखेंगे? दो, आठ रूट पंद्रह बटा दो रूट तीन। देखो रूट वाले को अलग, असंख्या अलग, अंक वाले को मतलब एक जात वाले को अलग, एक जात वाले को अलग, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। आठ बटा दो गुना, देखो दोनों रूट में है ना, एक ही रूट में हम डाल सकते हैं। जैसे पंद्रह बटा कितना लिखेंगे? तीन, दो चौका आठ, तीन पचा यहाँ चार आया, यहाँ कितना आया? रूट पाँच। तो इसको चार गुना रूट पाँच करेंगे तो कितना होगा? चार रूट पाँच। ये चार देखो रूट में नहीं है ना, तो यहाँ ई रूट है, तो दोनों को सटा देंगे गुना करने के बाद, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या है? चार रूट पाँच, इसका आंसर यही हो।